चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखो, 4 ईयर की जो पीटीटी की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। अब जैसे ही 4 ईयर पर क्लिक करोगे देख सकते हो आप, ये वेट हो रहा है और वेट होने के बाद में आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। बिल्कुल नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है तो इस प्रकार का यहाँ पर देखो शो हो जाएगा। सर्वर एक बार डाउन चल रहा है, एक बार फिर से अपने पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट करते हैं तो यहाँ पर वार्निंग बताया जा रहा है। एक बार फिर से अपनी पीटीटी की वेबसाइट पर जाकर एक बार वार्निंग बताया जा रहा है। यहाँ पर देख लो आप एक बार, रुको एक बार, अपने अब बात करते हैं, साइट को बिजी बताया जा रहा है। तो एक बार, क्योंकि बिजी यहाँ पर सब एक बार अपनी पीटीटी की जो लिस्ट है वो देख रहे हैं। पीटीटी की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है 4 ईयर की। किस प्रकार आप चेकआउट कर सकते हो, क्या कुछ कट ऑफ रही है, पूरे पूरे इस वीडियो के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार है वो आपको शो है हो जाएगी, हो गई ना। आपको 4 ईयर पर क्लिक करना है। 4 ईयर पर जैसे भी आप क्लिक करोगे तुरंत आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो आपका, आप देख रहे हो ना, ये देख लो आप, आपका प्रिंट अलॉटमेंट लेटर नाम आगे। आप यहाँ पर जाकर, यहाँ पर आप जाओगे तो एक बार क्लिक करो इसको, प्रिंट अलॉटमेंट क्लिक करते ही आपको शो हो जाएगा। आपके रोल नंबर डालने का शो सिस्टम है हो जाएगा, जैसे कि आ गया ना। अब यहाँ पर आपका रोल नंबर और काउंसलिंग आईडी डालकर और डेथ और बर्थ और सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन, यानी आपने बैंक से ई में तो क्या था पर अपने मोबाइल से किया था वो आ जाएगी। इसके बाद आप सबमिट करें तो आपको लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। अब अपन बात कर ले, लिस्ट जारी हो चुकी है, 4 ईयर की कट ऑफ क्या कुछ रही है, क्या कि 4 ईयर की जो कट ऑफ है वो क्या कुछ रही है, बहुत सिंपल वे से बता दूंगा। 4 ईयर की अगर मैं बात करूँ आर्ट्स की, सबसे पहले मैं बात करूँगा आर्ट्स की, तो आर्ट्स की कट ऑफ क्या रही है, देखो, जिनके जनरल कैटेगरी के अंदर नंबर 310 प्लस थे उनको कॉलेज मिल गई है। ओबीसी के अंदर लगभग 290 प्लस थे इनको कॉलेज मिल चुकी है। और बात करिए अपन एमबीसी की, बात करिए अपन एमबीसी कैटेगरी की, तो एमबीसी के अंदर और एससी और एसटी के अपन बात करें, एमबीसी के अंदर 280 प्लस वालों को कॉलेज मिली है और एससी वालों को 270 260 के समथिंग प्लस वाले को कॉलेज है सभी को अलॉट हो चुकी है, ठीक है। और जैसे ही देखो अब अपवर्ड का ऑप्शन है, देखो मैं बता देता हूँ, अब 4 ईयर के अंदर आपका अपवर्ड का जो ऑप्शन है वो ही जल्दी जारी हो जाएगा। एक दो दिनों के अपवर्ड का ऑप्शन भी जारी हो जाएगा। पहले आपको एडमिशन कराना होगा, एडमिशन कराने के बाद आप अपवर्ड कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो अपवर्ड करा लो, आपको कॉलेज है विधिवत रूप से चेंज हो जाएगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आप अपना प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पर जाकर, आप अपनी साइट पर जाकर आप अपनी कॉलेज कौन सी मिली है, कितने नंबर है, आपको कॉलेज मिल गई है क्या, और कितने नंबर थे, कौन से कॉलेज आपको मिली है, कहाँ मिली है, वो भी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा।